So Rishabh Shetty has done an interview with Film Companion, as you know, the film is releasing in Hindi also and many languages now. The film has done so well just in Kannada language, and now they are going pan India with it. Now, I have already seen the movie and reviewed it on my main channel. You can check it out, but I'll also be checking out the Hindi version. So to get my thoughts on that, do subscribe to his channel. Also, if you haven't seen the interview, I'll put the link in the description. Go check it out. मुझे language issue है, सब मैं सोचता हूँ कनाडा में, बात करता हूँ कनाडा में, खाता हूँ कनाडा में, सब कनाडा है मेरा. His Hindi is quite good. लेकिन मैं story बोलता हूँ. पुराना जमाने में जो लोग करते थे ना राइटर्स, किसी को बिठा के हाँ ये लिखो ओल्ड स्कूल. और एक बात है कि अगर एक स्टोरी मिला सब लोग को बोल के जाता हूँ मैं, आप मिला आपको ऐसा स्टोरी पूरा बोल के जाता हूँ, आपका एक्सप्रेशन देख के मुझे हाँ किधर किधर बोर हो रहा है ये सब समझ में आएगा. आई ऑलवेज थॉट मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल. एब्सोल्युटली. सो दैट इज व्हाई मेरा मन में ये कॉन्फिडेंस था कि ऐसा कुछ रिचुअल्स. हिज हिंदी इज सो गुड, रियली रियली गुड. दूसरा रूप में डिड ही डब इट हिमसेल्फ, दैट बी अमेजिंग इफ ही डिड. भारत के हर कोने में सब लोग का बिलीफ एक ही है. ऋषभ वेलकम टू फिल्म कंपेनियन. थैंक यू. पहले तो मैं एग्जैक्ट ट्राई करूंगी कि कहना कांथारा. यस. ठीक है, कांतारा. ठीक है, कांतारा. आपने एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है. थैंक यू सो मच. इट्स एन अमेजिंग फिल्म. और मैं आपको बताऊं कि हमने जब देखी, हम काफी लोग थे, 15-20 पीपल. और स्पेशली दैट क्लाइमैक्स जब वो खत्म हुई पिक्चर, सो मोस्ट ऑफ अस हम उठ ही नहीं सके, हम वहीं बैठे रहे ऐसे. और फिर हम एक दूसरे से बात करते कि ये हमने क्या देखा. तो पहले तो many many congratulations. Thank you so much. और I know कि आप कनाडा में सोचते हैं. हाँ सही है. करेक्ट. मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में सोचती हूँ, तो ये जो हमारी बातचीत है वो थोड़ी सी अजीब और गरीब होने वाली है. No problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. राइट. सो अच्छा, बट ऋषभ वो जो एक चीक है, दैट स्क्रीम. दैट गिव्स यू चिल्स डाउन योर बॉडी. एंड वो How did you create it? वो body से निकली कैसे? वो अंदर से आना चाहिए. It should not मतलब बाहर वो नहीं करना है. मैं इसलिए पूरा मतलब क्या क्या करना है पूरा करके उसके बाद वो किया. Proper do and don't. Yeah. So वो है ना, it's a sign. It's a sign. Kantara is also a sign. Not only mysterious forest. Right. Okay. It's like a कुछ predict कर रहा है. That आवाज भी ऐसा है जो दैव बोलते हैं ना. वो आवाज निकालने समय में वो एक एक्सप्रेशन है. वो एक स्टेटमेंट है. मतलब आप देखा तो ओपनिंग कोला में जो कैसा दैट शाउट था, कूगोदु अंत हेल्थ ना कन्नडदल्ली. ओके. हम लोग बोलते हैं कि कूगोदु दैट शाउट. ठीक है. सो उधर से लास्ट कोला तक देयर इज अ डिफरेंस in the emotions, okay. intonations, there is a variation. So, जो गुलिगा और एक दैव बोलते हैं हम लोग, he is a क्षेत्रपाला. वो हमारा जो बाउंड्री जो है वो पूरा वो ध्यान रखता है. Right. So, कुछ negatives अंदर आए तो वो नहीं छोड़ेगा. Yeah. Okay. बहुत भयंकर ये है. Yeah. ठीक है. उसका वो ये भी अलग है. Right. ठीक है. उसमें भी बहुत सारा differences है. क्योंकि शुरू में जो पहली बार जो वो स्पिरिट आता है अंदर, उस समय जो वो स्पिरिट अंदर लेके जो बाहर देखते हैं ना, ये होल वर्ल्ड वो देखता है ना, उस समय उसके अंदर एक हैप्पीनेस भी है. इट्स नॉट सिंपल शाउट. सो इसलिए जाके ऊपर जाके एक लाफ्टर भी है उसमें. इसके बाद जो उसको जो गाना चाहिए था उस समय जो पूछता है, इट्स डिफरेंट. राइट. बाद में और एक so every the scream is like a language, so every scream has a different meaning to it. बंदा उसको पकड़ता है, there is a question mark. हर बार ये चीज होते रहता है. Yeah. अभी ज्यादा हम लोग नुडी बोलते हैं, दैवा जो नुडी देते हैं, मतलब वाकी देते हैं. सो वो वाकी को पालते हैं हम लोग. इट्स लाइक अ जुडिशरी. ये है कोर्ट से आना जैसा हम लोग, मतलब वो तोड़ना नहीं है हमको. करेक्ट. ऐसा हम करते हैं. ठीक है. सो उधर भी अभी थोड़ा रिफाइन होके स्टेटमेंट भी आता है. पहले जो सिर्फ वो आवाज था. हां. बट एज एन एक्टर ऋषभ कैसे किया? आई डोंट नो.
seriously, I don't know. It just happened. It just came out. Yeah, it just happened. Because वो जो गुड़ी का पोर्शन मैं कर रहा था उस समय मेरा मन में चार शॉट था. पहले इसको मतलब वो बाप आएगा जो एक स्पिरिट आता है, तो ये सब शॉट था. उसके बाद कैसे उठता है, चार्जिंग कैसे हो रहा है हम लोग, उसके उसके बाद एक रोल मारते हैं ना, ये सब मैं रियल कोला में देखा था. वो जो दैव, वो जो स्पिरिट आने के बाद जो एनर्जी होता है वो मैं देखा था. वैसा ही वो रोल्स, वो आके खड़े होना, जो शॉट सब वो बहुत सारा देख. मैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट. व्हाट आई सॉ इज लाइक द वे एक्सप्लेनिंग हाउ. देख देखिए, उसके बाद जो करते हैं ना, वो लोग से मैं हेल्प लेके, सो ये सब. And it just came up. Yeah, definitely. The cinematographer को वो नहीं जानता था कि क्या shot ले रहे हैं हम लोग, ये sequence में flow क्या है, story क्या है. मतलब सिर्फ action sequence नहीं है वो. There is a journey. Yeah. Okay. There is an arc. Yeah. Fight master को भी पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं करके, क्या करना है करके पूछ रहे थे मेरे पास. रुको रुको करते हम लोग. सब बोलता था मैं. ये idea कहाँ से आया? मतलब एक दिन में मेरा दोस्त बुलाया मुझे, किसी और का बर्थडे है, आप आके 5 मिनट उधर एक केक कटवा के जाइए करके. सीधा मैं गया. उस समय सेकेंड लॉकडाउन था. मेरा बीवी उसका उसकी बहन का घर गई थी. उस समय क्या हुआ, सीधा गया मैं. उस समय मेरा मन में ये लॉकडाउन आगे जाएगा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा जाएगा. हाँ. क्या करते हैं, बोर हो जाएगा ना लाइफ. हम एग्रीकल्चर करते हैं घर. बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में काम करने वाले लोग आए उधर. हम लोग डिस्कस करते थे, यार एग्रीकल्चर करते हैं, सावयव कृषि. ठीक है, मेरा भी कुछ लैंड था उधर, मेरा बाप का, मेरा घर का, और मैंने भी कुछ लैंड लिया था. हम लोग जो ये कनाडा में हम लोग थली बोलते हैं, मतलब द वेराइटीज. सो ऐसा राइस हम लोग करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है. ये बोलने समय मेरा कजिन बोला, वो हर बार कॉमेडी करते रहता था, वो बोला ये इसका जो वैरायटी के हिसाब से मेरा बाप जेल गया कर. क्या हुआ, वो बोला हम लोग ऐसा एक दूसरा वैरायटी का जो राइस ग्रो किए, उसके बाद एक वाइल्ड बोर ने बहुत सारा उधर हमला करके पूरा खराब खत्म कर दिया. सो इसलिए मेरा बाप को उसका दोस्त बोला, मेरे पास एक लाइसेंस गन है, उसको हम लोग मार देते करके. ठीक है. उसके पास ये लोग 5-6 दिन ट्राई किए, नहीं मिला वो. हाँ. ये बोला मेरा ये लाइसेंस गन है. एक दिन लोडेड गन लेके सो गया था घर में. 4:30 बजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए. ठीक है, आके दूसरा घर वाला जो था वो इसके ऊपर कंप्लेंट किए, ये लोग हंट कर रहे हैं और नपीशीली करके. ठीक है, वो लोग आके अरेस्ट किया. देर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड, दे हैव टू अनलोड द गन फर्स्ट. देन वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने लेके ऊपर निशाना करके फायर कर दिया. बहुत पुराना गन था वो जैसा गन है कि रामपा का जो गन है ना, वैसा गन था. ठीक है, वो मार मार के बहुत साल के बाद जो हम लोग वो चाप बोलते हैं, ऊपर का ट्रिगर है ना, बैक फायर, उधर पूरा ये होके होल हो गया था वो. राइट, सो रिवर बैक फायर हो गया उसको. मतलब ऐसा मारने के समय जो किशोर को पता है, करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली, इधर आके उसका आंख बहुत डैमेज हो गया था. हाँ. वो 10-15 दिन हॉस्पिटल में था. वही इसमें इसको बहुत सारा केस डाल के इसको जेल में डाल दिया. ठीक है. अभी ये लोग, ये रियल स्टोरी है, ये बोला वो. हाँ. मुझे तो हम लोग कॉमेडी करके ठीक है उससे चले. वो अच्छा कुक करता था. दूसरे दिन हम में मेरा घर में कुछ सीरीज पूरी कुछ देखता था मेरा लैपटॉप में. ये आ गया, कुछ प्रिपेयर किया था वो नाटी कोड़ी सारो ऐसा हमारा जो मैंगलोर में जो मैंगलोर स्पेशल है. हाँ. वो करके आके आ गया. अना क्या है, मतलब मैं इससे पहले फर्स्ट लॉकडाउन में एक हीरो नाम का एक फिल्म किया था. लॉकडाउन फिल्म. हम लोग 24 मेंबर्स जाके पिक्चर खत्म करके आए थे. वो भी आया था उधर कुकिंग करने के लिए. बाद में उसको एक कैरेक्टर दिया हम लोग, मैंने लोग नहीं थे हमारे पास. ठीक है. बाद में ये बोल रहे हैं ना, ये क्या है, बोर हो रहे हैं, हमारा जो कैटरिंग नहीं चल रही, अभी कुछ पिक्चर विक्चर करते हैं जैसा हीरो जैसा करते हैं. मैंने बोला एक दिन लिख के हम लोग गए, सेकेंड हाफ के बारे में लोग इतना गाली मारा हमको. टाइम लेते हैं अभी चुप. आई रिमेम्बर सेकेंड हाफ लाइक इट हैड इश्यूज.
नहीं कुछ और करते हमारे गांव में करते टाइम ले लेते ऐसे ऐसे। हाँ वही तो सब्जेक्ट है तेरा बाप का है ना ऐसा कर दिया ना करके मैं बोला ठीक है बोल के ऐसे हाफ एन आवर में फर्स्ट हाफ खत्म हो गया। रियली? हाँ मतलब आउटलाइन आउटलाइन तो ऐसा होता है दो कैरेक्टर्स है ये किशोर का एक और एक गांव वाले का है शिवा। सो उसके बाद में ऐसा ऐसे एक आइडिया मिल रहा है ठीक है मैं कभी भी ज्यादा सोचता नहीं हूँ ठीक है गो विद द फ्लो वो मेरा एक फंड है आई जस्ट कीप ऑन टॉकिंग। उसके बाद दूसरों मेरे दोस्त को फोन किया मेरा सिनेमाटोग्राफर अरविंद कश्यप को फोन किया ऐसा बात करते 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 स्टोरी डेवलप हो रहा है मतलब वो प्लान नहीं था मेरा ठीक है एक सेकेंड हाफ का शुरू में आके स्ट्रक हो गया आगे नहीं जा रहे। दूसरा एक फिल्म का जो रेफरेंस चालू हुआ मुझे उधर ये ऐसा कुछ हो रहा है स्टोरी थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है नहीं वो छोड़ देता हूँ करके छोड़ के वापस शुरू किया मैं। उस समय मेरा मन में आया कि मैं अभी हमारे जो कोस्टल कर्नाटका है मैंगलोर उधर का दक्षिण कन्नड़ बोलता है हम लोग सो उधर का एक रूटेड स्टोरी पे हाथ लगाया और इट्स अबाउट एग्रीकल्चर लैंड। सो उधर हम लोग एग्रीकल्चर लैंड से वो लैंड नहीं है सिर्फ लैंड नहीं है उसमें ये भूतकोला दैवाराधने हमारा कल्चर हमारा रूटेड कल्चर हमारा रिचुअल्स हमारा बिलीफ सब आता है उसमें कंबड़ा आता है। एक बार एग्रीकल्चर का एक्टिविटीज हम लोग खत्म करते हैं उसके बाद एक सेलिब्रेशन मोड होता है उस समय इट्स ऑल दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ऐसा 3-4 महीना चलते रहता है ये कंबड़ा करते हैं उसके बाद वो भी पूजा करके करती है बफलो रेस right. ठीक है उसके बाद ये कोला आता है हर साल भूत कोला बार जो लोग गए हैं वो सब लोग आके फैमिली सब मिलके हम लोग पंजोली दैवा और दूसरा हजारों दैवा है ठीक है ये सब करते हैं किसी क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर का जो जुड़ा हुआ एक रिचुअल है हमारा। सो मच नॉलेज आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस इंटरव्यू। नियम या सो ये सोच के उसके बाद मुझे मेरा मन में आया कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा हूँ इधर है कि मैन वर्सेस नेचर। सो ये कॉन्फ्लिक्ट लेके अभी किशोर ये वो नेचर का रिप्रेजेंटेटिव जैसा दिख रहा है अभी और शिवा प्रॉपर हमारा जैसा गांव वाला एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव जैसा इसलिए वो बहुत सारा मिस्टेक्स करते रहता है तो ये सब होता है लेकिन हम जो बिलीव करते हैं कि ये दैव है ना ये दोनों का एक ब्रिज है नेचर एंड ह्यूमन के साथ बीच में एक ब्रिज है द गॉड इट्स अ डेमी गॉड सो ये लेके आना चाहिए तो मुझे पूरा ये नहीं है मतलब आइडिया पूरा नहीं है क्योंकि हम लोग मानते हैं सब ठीक है लेकिन इट्स अबाउट his english is also good like I can tell just by listening so I wonder why they maybe in hindi just so the audience watching in hindi like they like it understand it better and then go watch the film in the hindi dub maybe that's the case system it's about a belief to kuch problem nahi hona chahiye theek hai kisi ko hurt nahi hona chahiye so isliye jo log karte hai ye sab rituals jo karte hai wo logon ko jaake main pooch ke research ke hey research kiya so un logon se pooch ke पूरा जो भगवान को मान के जो क्या क्या करते हैं हम लोग वैसा एक रूट पे आ गया रिवर्स में सो खतर बन गया। माय गॉड अच्छा बट यू हैव रिटन द स्टोरी आपने डायरेक्ट भी किया यू आर आल्सो द हीरो ऑफ दिस फिल्म और ये इतना मुश्किल काम है क्योंकि ये फिजिकली डिमांडिंग रोल है यू नो इतना एक्शन है वो बफलो रेस इंट्रोडक्शन सीक्वेंस इतना इतनी फिजिकली डिमांडिंग मैन द म्यूजिक अपने आप को कैसे डायरेक्ट किया वही ज्यादा सोचता नहीं हूं मैं ये सीक्रेट है ज्यादा सोचता नहीं मैं अगर एक कंटेंट मिला एक सब्जेक्ट मेरे को स्ट्राइक किया मेरे को ट्राई कर रहा है सो ये मन में आया तो मुझे वो होल्ड नहीं कर सकता बिहाइंड द सीन इज क्रेजी फॉर दिस दे एक्चुअली ब्लॉक्ड दैट वीडियो आई डोंट नो व्हाई दैट वीडियो इज ब्लॉक्ड वेयर आई रिएक्टेड टू द इंट्रोडक्शन द वर्ल्ड ऑफ कांतारा सकता हूं मैं पेशेंस थोड़ा कम है उसमें शूट में है शूटिंग करने समय में पेशेंस है मुझे ज्यादा टेक्स्ट चाहिए तो वो करता हूँ लेता हूँ ये सब है अगर एक बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूँ कि और दोस्तों को बोलता हूँ मैं अभी और एक बात है कि अगर एक स्टोरी मिला सब लोग को बोल के जाता हूँ मैं आप मिला आपको ऐसा स्टोरी पूरा बोल के जाता हूँ आपका एक्सप्रेशन देखिए मुझे
हाँ किधर किधर बोर हो रहे हैं ये सब समझ में आएगा। ऐसा करते 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 मेरा अंदर भी वो अच्छा सा ट्यून होता है पूरे स्क्रिप्ट करेक्ट ठीक है। ज्यादा सोचता नहीं मैं ओके अभी ये प्रोडक्शन करना है एग्जीक्यूशन जाना है फ्लोर में जाना है वो क्या करते हैं दूसरे लोग बोलते हैं ये इतना कम टाइम में हम कर नहीं सकते करके नहीं नहीं कर सकते मेरा मन में हर बार ये नहीं होगा करके ये लाइन नहीं होना चाहिए ठीक है। सो ये सोच के सबको पुश करके जाता हूँ मैं मतलब ये अप्रैल 27 उसका बर्थडे था उस दिन ये स्टोरी ये आइडिया क्लिक हुआ। सो उधर से चार महीना सितंबर तक हम लोग पैरेलल डायलॉग्स लिखे स्क्रिप्ट तीन चार वर्शंस लिखा है उसके बाद प्री प्रोडक्शन भी पैरेलल किया है क्योंकि मेरा गांव में पूरा शूटिंग किया हमें करेक्ट पूरा जो वो जो गांव का जो सेट डाला है मेरा घर से पैदल चल के दो मिनट में पहुंच सकते उधर। तो ये पूरा सेट क्रिएट किया था कि ऑलरेडी था नो पूरा क्रिएट किए थे हम लोग। ओह वाओ उसमें कितना टाइम लगा तो लगा बहुत आई थिंक 6 मंथ्स 6 मंथ्स टू क्रिएट दिस हां एक्चुअली दो महीने का काम था क्योंकि आर्ट डायरेक्टर बोल रहा था कि आना ये नहीं होगा ज्यादा टाइम चाहिए करके। आई वाज इनटू कंस्ट्रक्शन आल्सो पहले ठीक है मैं बोला जन लोगों को ज्यादा डाल अभी काम स्पार्ट कर करके और सोर्सिंग भी मेरा ही लोग थे मेरा भाई था और मेरा एक लड़का था सुभाष बोल के ये लोगों को ये किधर किधर क्या क्या मिलते हैं मैं जानता था। सो इसलिए उतना ज्यादा टाइम मत लो लेकिन राइम का बहुत नुकसान करता था पहले ज्यादा हम लोग दो तीन बार रिक्रिएट किए रिक्रिएट इसलिए ज्यादा टाइम है। और शूटिंग में कितने दिन गए 96 डेज शूट किए हम लोगों ने स्टार्ट टू फिनिश सो ऑलमोस्ट 60-70% नाइट है राइट ठीक है हां या सो रात दिन नाइट इज वेरी हार्ड यार शूट करते अच्छा और इज इट ट्रू मैंने पढ़ा कि जो आपकी हीरोइन है सप्तामी गौड़ा वो 5 महीने किसी विलेज में रही नहीं 5 महीने मतलब हम सब लोग थे ना उधर सब लोग थे मतलब उधर से एक छोटा सा टाउन है उदयपुर बोल के मेरा टाउन तालुक है वो सो उधर अच्छा होटल है एंड होमबाड़े प्रोडक्शंस पहले ही उधर शूट किए केजीएफ के समय में पोस्ट प्रोडक्शन रवि बसोरूर का स्टूडियो भी उधर ही है सो सब लोग थे रहने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम लोग हर दिन सेट जाते थे सब लोग उधर वो गांव वाले जैसे रहते थे सब हर कैरेक्टर वैसा ही बिहेव करते थे इसलिए हम लोगों को थोड़ा ईजी हो गया। शी इज़ द वन थोड़ा कम एक्सपीरियंस था एक फिल्म की थी पहले हम लोग 3 महीने वर्कशॉप लिए थे लेकिन थिएटर का बैकग्राउंड भी नहीं है हम सब लोग को थिएटर का बैकग्राउंड किशोर सर को थे अच्युत अन्ना को थे मैं थिएटर का बैकग्राउंड में था तो सब लोग उधर का जो नया बंदा जो लोग हम लोग कास्ट किए मेरा माँ शी इज़ अ भरतनाट्यम डांसर ओके हाँ सो शी इज़ वेरी गुड यार मेरी उम्र के हम लोग पूरा चेंज करके दिखाए ठीक है और सब लोग थिएटर बैकग्राउंड से आए राइट हाँ सो इसलिए हम लोग थोड़ा सब लोग को मिल के सप्तमी को थोड़ा ज्यादा हेल्प हो गया राइट The father is his age. Outstanding makeup. I never realized. अच्छा मेरी फिल्म का एक क्रिटिसिज्म कि वो जो लव स्टोरी थी मुझे लगा कि वो थोड़ी थोड़ा रश्ड लगी वो आई फेल्ट कि आल्सो लिटिल बिट जैसे द कैमरा मूव्ड ओवर हर वो पिंचिंग हर वेस्ट वो कुछ अजीब सा लगा मुझे व्हाई डिड यू चूज टू डू दैट बिकॉज़ शिवा का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली इस डिओटिस जो लोग है ये अभी ये दैवा का जो सेव करना है ये करना है वो इसको लेकिन ये क्या कर रहे हैं पूरा उल्टा कर रहे हैं राइट ये अलग है हाँ. ये हर बार उल्टा करता ही रहे तो माँ पूछती है कि तू ये करना है मतलब ये कोला तू पहनना है ये करना है तू जो ये हमारा जो ये रिचुअल्स है ये कंटिन्यू होने के लिए तू करना है सब करना है. लेकिन पूरा दारू पी रहा है शिकार कर रहा है yeah, he is not a good man, like, you know, even I thought, Is it a problematic him pinching her and all? But he's a character who's not that good. But I think then the thing is that she falls for him, and I think even I felt when she falling for him, it just happened in a montage. So you know, maybe something else could have been there. अब लड़की के साथ misbehave कर रहा है. वो बहुत सारा negatives है. वो आज का जो एक sector का जो youngsters है, उन लोगों का represents. ठीक है. हमारा जो culture है, वो सब नहीं मानते हैं. हमारा जो सिस्टम ये सब नहीं मानते सो इसलिए मुझे वो चाहिए था एंड हर बार ये जो गलत काम करता है सो इमीडिएट नेक्स्ट ही विल फेस सम इश्यूज राइट ओके
सो लव स्टोरी भी वैसा ही है, उनके साथ जो लव स्टोरी होता है विद इन नो टाइम, इसका जो सेपरेशन भी वैसा ही होता है. जो उसके बाद इसका भी फिजिकल होने का मोटिव है इसका शुरू से, उतना ज़्यादा ये वो एक अर्बन लव स्टोरी जैसा, फिल्मों वाली लव स्टोरी जैसा नहीं है. नहीं है, करेक्ट करेक्ट. तो उतना रॉ चाहिए थे मुझे. वो शिवा ऐसा है, सो वो भी वैसा है, वो दिखाने के लिए मैं मुझे वो रॉ चाहिए था. वो पैचअप भी ये लव स्टोरी नहीं है, ज़्यादा टाइम ले नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वो फिनिशिंग वो आ गया एंड में. मतलब इधर से थर्ड एक्ट चालू हो रहा है, मतलब दूसरा एक करो आ रहा है. जो ये फिल्म है जब इतनी रूटेड है कोस्टल कर्नाटका के रिचुअल्स में, और जब एंड आई थिंक इसी वजह से लोगों को इतना अपील कर रही है, क्योंकि इट्स समथिंग वी हैव नेवर सीन. आई ऑलवेज थॉट मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल. एब्सोल्युटली. सो दैट इज व्हाई मेरा मन में ये कॉन्फिडेंस था कि ऐसा कुछ रिचुअल्स दूसरा रूप में भारत के हर कोने में है, दूसरे दूसरे सिस्टम दूसरे दूसरे रूप में है रहेगा. सो सब लोग का बिलीफ एक ही है. Also, you know, in the film, it never becomes like if you don't know the custom or ritual that it will make no sense to you. It's not like that. It's very straightforward to understand what's happening, what is the belief, who's the demigod, you know, how it all works. It's pretty clear, you know. And if the, you know, the land is taken back, the demigod will come back and, you know, will kill you kind of thing. So it's just, you understand the working of it. Whatever name you want to give it, whatever you want to call it, it's all, you know, then becomes the part of that culture. But it's very easy to understand. And as you said, right, maybe somewhere it's the same thing, but with different names and different, you know, customs and all. But the point of what is happening is the same thing, right? So, kabhi, kabhi jab aap bana rahe the, kabhi dar nahi laga ki, will it be okay for people who don't know Bhutkola ya कमाला जो नहीं जानते हाँ. उनके लिए एक्सेसिबल होगा कि नहीं, ये कभी नहीं सोचा. नहीं, क्योंकि अगर एक वेपन यूज किया, वो वेपन एक स्वैग है, ठीक है, एक लेके एक हीरो ऐसा फायर किया, उसमें एक लिखा वो वेपन कंपनी का, लोग अभी क्या है कि गूगल सर्च कर देते, ठीक है, करेक्ट, कैसा ब्रांड है, किधर से लिया, सो क्या है, ऐसा है आज. सो हर लोग क्रिटिक्स है आज, या हर लोग रिव्यू करते हैं हाँ. कैमरा एंगल से लेके एडिट तक, कलर करेक्शन, लोकेशंस, डायरेक्शन, सो इधर फ्लॉज है, ये सीक्वेंस अच्छा है, ये कट कर सकते थे ना, क्यों ऐसा ऐसा भी है, ठीक हाँ. है, थोड़ू फिल्म इंडस्ट्री है कर्नाटक में, उधर ये सब ट्राई किए, ओके, ये किए पहले ही किए, लेकिन उसके आगे कनाडा इंडस्ट्री नहीं तो भारत का दूसरा जो लैंग्वेज है, किसी को भी पता नहीं है इसके बारे में, जो रिचुअल्स हम लोग करते हैं उधर पता नहीं, दैट विल बी द फर्स्ट थिंग ऑडियंस को. सेम टाइम हम बिलीव करते हैं, ऑडियंस भी बिलीव करना है, ये भगवान है, इसमें शक्ति है, ये सब बिलीव करना है, ठीक है. सो वो कॉन्फिडेंस था मुझे. एंड हर बार मुझे फिल्म करने समय में ऐसा कुछ है जो आर्टिस्टिक लगता है, एक आर्ट फिल्म जैसा लगता है, वो सब मैं हर बार पैकेज करने के लिए ट्राई करता हूँ. वही जो ह्यूमर हो, लव स्टोरी हो, एक्शन हो, तो वो सब पैकेज करने को मुझे. दैट्स ट्रू. एवरीथिंग लाइक कॉमेडी वाज, आई वाज सो शॉक्ड वाचिंग द मूवी कि सो मच ह्यूमर एंड इट्स ऑल, यू नो, मोस्ट ऑफ इट्स वर्किंग. दैट वाज रियली गुड. एंड यू नो, इट्स लाइक इवन आई वाज सरप्राइज्ड इवन व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, आई एम लाइक दिस इज लाइक, यू नो, नॉट अ वेरी कमर्शियल फिल्म, इट इज वेरी रूटेड एंड ऑल, बट द वे ही पैकेज द फिल्म, यू नो, लाइक इट्स सो एंटरटेनिंग. You know, even if you don't like, you know, dense films, for even that you have good action, you have, you know, love story also, you have songs, you have comedy, you'll enjoy, you'll have a good time watching this film. I think that really works for the film. बहुत अच्छा लगता है. नहीं, but that's what makes this film so amazing. क्योंकि आप एक तरफ folklore ले रहे हो, लेकिन myths हैं और मसाला भी है. हाँ. So ये properly strategic है. हाँ. दोनों होना चाहिए. क्योंकि अभी मैं पहला फिल्म किया था, लास्ट फिल्म था मेरा सरकारी, जो चल बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म मिला मुझे, वो फिल्म करने समय में सब लोग, मैं प्रोड्यूसर के साथ जब पास जाके ये प्रोड्यूस करो इतना छोटा बजट में ये खत्म हो गया हो जाएगा करके पूछा, तो वो लोग बोलते थे ये आर्ट फिल्म है,
कमर्शियल केस है बनता है तो मोस्टली तो ये क्रिक पार्टी किया बहुत बड़ा हिट हो गया तो इसलिए अभी अवार्ड का ट्राई कर रहे हैं तो करके नहीं अवार्ड का नहीं ये कमर्शियली जाएगा बोल रहा था मैं इसलिए मैं प्रोड्यूसर बन गया ठीक है सो मैं सोसाइटी को देखता हूँ ज़्यादा आई डोंट रीड मच आई डोंट स्टडी मच तो मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था ठीक है मैं दुनिया को देखता हूँ सोसाइटी को देखता हूँ इधर क्या हो रहा है कैसा हो रहा है मतलब उधर उधर का जो मज़ा है वो हर बार रियलिस्टिक के हिसाब से मुझे सिनेमा में लेके आने का एक शौक है वो अच्छा मजा देगा तो लोग आते हैं पिक्चर देखने के लिए एंटरटेनमेंट करेक्ट ठीक है सो पैसा देता है उन लोगों को एंटरटेन होना चाहिए सो इधर पूरा बोर करके और एक मैसेज देके उन लोगों को भेजा तो नाराज हो जाएंगे वो मुझे भी बोर हो जाएगा इसलिए मैं नहीं करता हूँ इसमें ये कोला है इस फिल्म में गरुड़ा गमन में टाइगर डांस था हाँ। और सो है और हजार है सौ केंद्र में कर्नाटक में बट टेल मी कि आपका ये जो पैशन है फॉर फोक थिएटर फॉर फोक डांस ये कहाँ से ये बिकॉज ऑफ योर थिएटर रूट्स मैं रामायण महाभारत नहीं पढ़ा लेकिन मैसेज क्या है कैरेक्टर्स क्या है वो स्टोरी क्या है हमारा जीवन को क्या देता है वो पता है कहते हैं थ्रू यक्षगाना सो दैट यक्षगाना इज एन एजुकेशन हम लोग बचपन से देखते रहे एंड मैं सिक्स स्टैंड में था उस समय से पीयू तक मैं यक्षगाना का पहला आर्टिस्ट मैं उधर बन गया था मैं वो जो वेश बोलते हैं हम लोग वो डाल के परफॉर्म करता था छोटा छोटा कैरेक्टर मिलता था मुझे पहली बार जो मेकअप लगाया उधर में यक्षगाना में ठीक है सो वो एक हमारा रूट है वो जनपदा बोलते हैं हम लोग ठीक है फोकलोर ये हमारा रूट है तो जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है अभी थोड़ा वो मतलब इस जनरेशन वो जो फोकलोर है ना वो थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा ये होता है तो इसलिए ये हम लोग रिक्रिएट करना है ये लेना है वापस म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऐसा करना है फिल्मों में हमारा जो फोक है हमारा जो कल्चर है हमारा रूटेड जो स्टोरी है वो सब लेके आना चाहिए क्योंकि हम जो पिक्चर कर रहे हैं अभी ये भी रेगुलर स्टोरी है मेरे हिसाब से ये भी रेगुलर स्टोरी है वो दो लोग हैं उन लोगों का फाइट है तो एंड में वो एक विलन आएगा तो भी रेगुलर है कौन सा नया स्टोरी देते हैं आप नया क्या है इस नेचर में नया क्या है सब कुछ नेचर में हम लोग पूरा लेके रिक्रिएट कर रहे हैं बस सो वो रिक्रिएट करने समय में आई फील ये सब लेके आया तो उसमें एक ब्यूटिफुल एक स्ट्रेंथ आएगा एक सॉलिडिटी आएगा तो वो मुझे वो एक डेप्थ मिलेगा सोचता हूँ हर बार नहीं एब्सोल्युट आई वांट टू आस्क ऋषभ की एज अ डायरेक्टर आप स्टोरी बोर्ड्स करते हो हाउ डू यू सी द फ्रेम्स क्योंकि विजुअली इतनी स्ट्रांग है ये फिल्म और सिनेमाटोग्राफी इज ब्यूटीफुल इट्स रियली ब्यूटीफुल तो एज अ डायरेक्टर हाउ डू यू वर्क सी मैं बेसिकली मैं लिखता नहीं लेकिन मैं स्टोरी राइटर हूं पुराना जमाने में जो लोग करते थे ना राइटर्स किसी को ये लिखो ओल्ड स्कूल ठीक है वो बेटर जजमेंट मिलेगा मुझे अभी वापस पढ़ करता था सो इसके बाद मुझे फ्लोर जाने के लिए पूरे पिक्चर मुझे विजुलाइज होना चाहिए सो वो विजुअल्स ही मुझे पुश करता है कि स्टोरी ऐसा जाना है करके वो फ्री फ्लो में छोड़ देता हूँ मैं उसको मैं फोर्स नहीं करता हूँ हर बार मेरा स्टोरी ऐसा ही इसलिए बहुत सारा कैरेक्टर्स रहता है मतलब डबिंग करने समय में हम लोग देखते हैं चार पचास लोग 60 ट्रैक्स 70 ट्रैक्स इतना ज्यादा लोग बात करते रह रहे तो हम लोग म्यूट करके लास्ट में फाइनल करने समय में ये नहीं चाहिए ऐसा होता है सो ये विजुअलाइज जो करता हूँ मैं वही मेरा वो लास्ट तक वही रहता है मेरा दिमाग में सो समटाइम्स आई डोंट नीड एनी स्क्रीन मतलब सीन पेपर डायलॉग के लिए चाहिए बस रियली हाँ सो लास्ट अदरवाइज हेड में है हाँ पूरा स्टोरी मेरा अभी मतलब नॉट ओनली कांतारा बहुत सारा स्टोरीज ऐसा ही है लिखता नहीं हूँ मैं अभी बनानी है हाँ सो वो कुछ पिक करके जो नेक्स्ट फिल्म करना है तो वो चालू कर वो कंप्यूटर में स्टोर है अच्छा ऋषभ आप रक्षित और राजवी शेट्टी द RRR ऑफ कन्नड़ा सिनेमा राइट आप लोगों ने आई थिंक लैंडस्केप ही बदल दिया
जो फिल्में आप लोगों ने बनाई हैं, राज शेट्टी ने भूतकोला सीक्वेंसेस इस फिल्म की डायरेक्ट की, करेक्ट? और ही कोरियोग्राफ की, कोरियोग्राफ किधर है कि ओपनिंग्स कोला एंड लास्ट टाइटल होने के बाद एक कोला आता है ना, वो दोनों कोला वो कोरियोग्राफ किए थे। हां, मैं तो वो सब अटायर में था ना, राइट? सो ही हेल्प मी। तो हाउ डू द थ्री ऑफ यू इस फ्रेंडशिप के बारे में बताएं, और हाउ डू द थ्री ऑफ यू हेल्प ईच अदर टू ग्रो एज आर्टिस्ट? बेसिकली हम ज्यादा चेंजेस नहीं किए, ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो हमारा कनाडा इंडस्ट्री में जो लेजेंड्स थे वो लोग बहुत बड़ा सेटअप करके, स्टेज सेट करके गए, बीच में वो भूल गए लोग, राइट? सो हम सोचे थे कि हमको नहीं, शंकर नाग सर अभी भी, उपेंद्र सर भी है, लेजेंडरी डायरेक्टर है, काशीनाथ सर थे, पुटाना कनगाल, सिद्धलिंग अय्यर, बहुत सारे साउथ में बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स उधर जाके, उधर आके कन्नड़ा पिक्चर देख के उधर से राइट्स लेके जाके हिंदी में दूसरे दूसरे लैंग्वेज में रीमेक करते थे, करेक्ट? ठीक है, डॉक्टर राजकुमार का कंट्रीब्यूशन है, विष्णुवर्धन का कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़े बड़े लेजेंड्स थे, तो हम कुछ नहीं, तीन चार फिल्म किए बस, जस्ट शुरू हो रहा है हमारा, सो वो इंस्पिरेशन था। अगर शंकर सर ने इतना 11 इयर्स फिल्म इंडस्ट्री में थे, शायद 40 प्लस मालगुडी डेज का एपिसोड शूट किए, सम 70 प्लस फिल्म एक्ट किए, 11 फिल्म्स डायरेक्ट किए, कैसे? अमेजिंग, सो सच अ वंडरफुल जर्नी। सो हमारा कुछ नहीं है, हम सोचते कि जो हमारा जो सॉइल का, हमारा जो रूटेड स्टोरी बताना है वो नया लगेगा, सो वो नया लगता है ऑडियंस को। एंड आज एक बंदा अपडेट नहीं हुआ है कि एक फिल्म मेकर है, वो एक स्टोरी टेलर है, फिल्म में स्टोरी बताता है ना, वो है मेरा हिसाब से, क्योंकि आज जो फैसिलिटीज है, आज जो प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म, ऑडियंस है वो लोग मोस्ट अपडेटेड पीपल, सो उन लोगों को आज का जो अपडेट मिला है, हम लोग एक साल पुराना स्टोरी बता रहे हैं उन लोगों को, करेक्ट? ठीक है, सो इसलिए हम लोग ये जो रेगुलर पैटर्न जो है ये किया तो वो ऐसा ही माहौल लगेगा, बोर हो जाएगा, करेक्ट? हमको भी बोर होता है, ऑडियंस को भी। दैट्स ट्रू, राइट? बिकॉज ऑडियंस बिफोर OTT, बिफोर लाइक the filmmakers knew more than the audience, they had seen more cinema, world cinema, this, that, everything, they were, you know, used to what's happening in the world and try to incorporate. I think that's why a lot of films were, you know, copied from this film, that film, because no one knew it's a remake, no one knew they copied it, right? But today, if the audience have all the things, right, they have OTT in their, you know, palm of their hand, they can watch anything, everything from the whole world, they're watching everything today. You know, now you cannot fool them. Now the filmmaker had not seen enough what audience has seen. So if you're not giving them good stuff, if you're not giving them something fresh, new, they'll understand, oh, this is not worth watching. I'll watch something else because there's option now. So that he's right. Bore karna hai. So hum karte hai ki ye thoda hamara rooted jo story hai, ye kisi platform mein nahi hai. Theek hai. Ye sirf udhar hamara gaon mein. So udhar se leke jaate hai. So with the three of you, aap एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रैंक हो सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मुंह पे बोल लेंगे क्या? वाह, मुंह पे सब बोलते हैं कि फ्रेंडशिप में कोई इशू नहीं होती? नहीं, वो सेपरेट है, ये सेपरेट है, रियली? वाह, दैट्स ग्रेट, हाउ वंडरफुल। या ऑफ कोर्स इट शुड बी लाइक दैट, नो? इट शुड बी, या, बट इट्स नॉट ना, मोस्टली नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है, ईगो आ जाती है बीच में। या एग्जैक्टली, ये एक खराब फिल्म हो जाएगा, नहीं तो बैड फिल्म होता है ईगो से, right? सिर्फ ईगो से, अगर हम लोग ईगो बाहर रख के एक फिल्म के लिए काम किया तो एक अच्छा प्रोडक्ट आता है। मेरा ये कांतारा करने समय में सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, वो लास्ट क्लाइमैक्स का जो मैं परफॉर्म किया उसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग, प्रोडक्शन हाउस पहले विजय किरगंदूर, कार्तिक गौड़ा, होम्बाड़े, पूरे होम्बाड़े ग्रुप्स, उन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं उन लोगों को बोला ये आधे से कम बजट बोला था मैं, शूटिंग करते 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 ये डबल से ऊपर हो गया बजट, ठीक है, उसके बाद जो ये प्रोजेक्शन का बात होता है, ये रिलीज का बात होता है, ये ऐसा जो KGF जैसा फिल्म करके पाथ ब्रेकिंग फिल्म की है उन लोगों ने, जो जो प्रेजेंटेशन है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन में सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में पिक्चर रिलीज किए, एंड होल्ड करना इतना बड़ा बड़ा फिल्म था सेम टाइम,
एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो उन लोगों का जो सोच है ना, तो आई रियली लव दैट देयर वर्किंग स्टाइल एंड एवरीथिंग. सो इसके बाद अरविंद कश्यप, माई बैकबोन, लाइक माई लिटिल ब्रदर. सो उसका काम DOP. Yeah, definitely. We used to, most of the time, हमारा जो सोच है एक ही इसमें रास्ते में रहेगा. एंड उसके बाद अजनीश एंड डीओपी का टीम, मेरा डायरेक्शन टीम भी इतना अच्छा अजनीश से गया यार. ठीक है, सो हम लोग पूरे वापस मैंगलोर जाके उधर का जो साउथ कैनरा में जो जो फोक प्लेयर्स है, हम लोग दुड़ी कुणिता बोलते हैं, कोरागरा डोलू बोलते हैं, छंडे यक्षगाना छंडे बोलते हैं, मदले. उसके बाद हमारे जो दैवकोला में हम लोग करते हैं ना, ये नादस्वरा दास है, ये सब उधर का जो प्लेयर्स है उन लोगों को पकड़ के उधर ही एक जगह हायर करके दो दिन उधर ही रिकॉर्ड किया, उधर ही रिकॉर्ड किया उन लोगों से. ठीक है, समटाइम्स द फाइट के बीच में सब कुछ सीक्वेंस में आते हैं ना, तंदना कुछ आवाज आता है, उधर का जो पाड़दाना जो बोलते हैं उन लोगों का वॉइस है, वो उधर ही रिकॉर्ड करके लेके आके उसमें थोड़ा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज. यू नो आई एम गोना वॉच द मूवी अगेन, सो आई विल नोटिस ऑल दिस, आई विल ट्राई टू यू नो पे अटेंशन टू एवरीथिंग करके वो थोड़ा फ्यूजन करके सिनेमैटिक एक्सपीरियंस करने के लिए वो सब प्रोग्रामिंग की है. अमेजिंग. अच्छा ये बताओ ऋषभ, लास्ट 10 डेज हैव बीन इनक्रेडिबल, मतलब ये पिक्चर कहां से कहां पहुंच गई है, इतनी लैंग्वेजेस में अब डब होके रिलीज होने वाली है. इसलिए मैं बोलता हूं ये फिल्म मैं नहीं किया हूं, ये हो गया. ये अभी हो रहा है, मुझे एक ही था, मेरा कर्नाटक का, मेरा कोस्टल कर्नाटक का, मेरा गांव का एक रूटीन स्टोरी है. ये कल्चर मैं दुनिया को बता रहा हूँ, ये कनाडा में जाना चाहिए. ठीक है, सो विजय ना वही किया है, रोहम्बाड़े वही प्रेजेंटेशन किया है, कनाडा में हर जगह गए, उसके बाद टाइम ही नहीं मिल रहा है हमको, डब कर रहे थे लैंग्वेज में रिलीज करो. अच्छी प्रॉब्लम है. डिड यू एक्सपेक्ट दिस एट ऑल? नो, नॉट एट ऑल. दो चीजें मेरा नहीं है कि एक एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट, दो चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं है. ठीक है, सिर्फ कांतारे के लिए कुछ एक्साइटेड था कि ऑडियंस का रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये पूरा देख के क्लाइमैक्स सब देख के क्या है सोचते, वो थोड़ा एक्साइटमेंट था पहले. वो भी प्रीमियर शो किए हम लोग उधर भी, वो भी गया. एंड ये है, आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट ये चलेगा, लोगों को पसंद आ जाएगा, क्योंकि कुछ नए चीज़ें बोल रहे हैं हम लोग. सो जो फोकलोर लेके आ रहा है इसके बारे में प्राउड फील करता है हमारे जो कर्नाटका कन्नड़ा लोग. सो लेकिन इतना बड़ा जो कांथारा, जो उसका अंदर, जो उसके अंदर जो मिस्ट्री है ना, वाइल्ड फायर जैसा गया. या 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 एब्सोल्युटली. सो लाइक बहुत भारी लगा मुझे, मतलब मैं ये सब के लिए मैं रेडी नहीं था. मुझे लैंग्वेज इशू है सब, मैं सोचता हूँ कन्नड़ा में, बात करता हूँ कन्नड़ा में, खाता हूँ कन्नड़ा में, सब कन्नड़ा है मेरा. ठीक है, मैं रेडी नहीं था ये सब करने के लिए. मेरा बीवी बोलती थी तू थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान रख, अगर तू उधर गया प्रॉब्लम हो जाएगी सर करके. तो उसका कॉन्फिडेंस में मैं आ गया इधर. ठीक है, बहुत अच्छा किया. हाँ, प्रगति ने बोला है कि नहीं तू उधर जा, क्या होता है बात कर. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है. इधर था मैं तीन चार महीने था मैं बॉम्बे में. अच्छा, सो अंधेरी वेस्ट में था. साइलेंट पहला फिल्म था मेरा, 2004 चालू हुआ था, 2006 रिलीज हुआ था. सर उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया. उसके बाद इधर का जो मर्डर है वो अनफेथफुल का मर्डर लेके कनाडा में एक गंडा हैंड थी बॉयफ्रेंड करके एक फिल्म आया था. हाँ. उस फिल्म में क्लैब बॉय था. दो फिल्म किया था मैं. उसके बाद एक हिंदी फिल्म आई उधर गाँव में, मतलब काम नहीं था मेरे पास, लोकल कोऑर्डिनेशन कर करके बोले काम किया, अच्छा काम कर रहे तो आ जाओ करके लेके आए. इधर ऑफिस बॉय का काम, प्रोड्यूसर का, ड्राइवर का काम, ये दिन का किया मैं. सब किया. हाँ, ये करके करके. वाओ, आई डिडंट नो ऑल दिस. दैट्स आउटस्टैंडिंग स्टोरी यार. मेरे को एडिटिंग का शौक था. सो उन्होंने बोला कि तेरे को एडिटिंग मैं भेज देता हूँ, अच्छे अच्छे एडिटर से उनके साथ काम कर. मुझे, मैं जानता था कि उधर भी ऐसा ही ऑफिस बॉय का काम करना है. वो हर सीनियर एडिटर के साथ जो नए बंदे लोग अच्छे है वो उधर ही वैसा ही काम रहेगा. सर ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं. देखा वो कुछ नहीं हो रहा है. बाद में पूरा बैग लेके वापस गया बोल गया. सो इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है. वेरी गुड.
अच्छा फिल्म के रिस्पांस, दैट्स एन आउटस्टैंडिंग स्टोरी यार, लाइक फ्रॉम यू नो डूइंग ऑल दोस ऑड जॉब्स एंड नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दोस जॉब्स बट यू नो बीइंग हंबल एंड डूइंग दैट एंड देन टुडे यू हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर यू आर सिटिंग हियर एंड पीपल आर कमिंग टू इंटरव्यू यू, आउटस्टैंडिंग। के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैंने ये भी पढ़ा है कि कहीं मैंगलोर में एक शो हो रहा था और एक लेडी शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड दे हैड टू स्टॉप द फिल्म। कल भी एक थिएटर में वैसा ही हो क्या रहा है, मतलब दैट एनर्जी व्हेन आई वाज शूटिंग अनुपमा ये, मतलब आई फेल्ट दैट देयर इज एन एनर्जी, रियली सीरियसली, बिकॉज एक एक एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट करके जा रहा है, क्योंकि मैं कैसे ये फिल्म ने मैं कंप्लीट किया आई डोंट नो, क्योंकि आई डोंट नो, देयर इज अ पुश आई थिंक, देयर इज अ एक्सटर्नल एनर्जी, कुछ बहुत भयंकर पॉजिटिव एनर्जी था पूरे सेट में, कि मतलब इतना ही मिस्टीरियस था हमारा शूटिंग सेट। रात को हम लोग क्लाइमैक्स को शूट करते थे, लोग घबरा घबरा के सो एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को प्रोटेक्ट करके करके जाके वो एनर्जी ऐसा है, मोस्टली इतना बड़ा रीच हो रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, मेरे से नहीं, मतलब ये कुछ स्क्रीन बड़ा है, स्क्रीन को ट्रांसफर हुआ है वो एनर्जी, वो जो हम लोग पंजुरली के नाम पे मानते हैं, आई थिंक वो एनर्जी जो गुड़ेगा का जो बोलते हैं हम लोग बिलीव करते हैं, आई थिंक वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया। सो उधर से वो जो साउंड है ना, वो स्पिरिट आने के लिए हम लोग, हमारे जो लोग बोलते हैं कि जो मेकअप जो क्या बोलते हैं कलर, उसके बाद लाइट, उसके बाद साउंड, जो ये सब पूरा वो नेचर के अंदर कर रहा है, ये सब जो प्रकृति के अंदर जो बोलते हैं ना उधर करते हैं, उधर एनर्जी है, आई थिंक वो एनर्जी पास हो गया स्क्रीन को, शायद मैं नहीं किया वो हो गया है। और फाइनली ऋषभ, आप हिंदी ऑडियंसेस के लिए कोई मैसेज है क्या कहना चाहें? आप ऐसा स्टोरी, ऐसा एक बैकग्राउंड, ऐसा एक कल्चर, ये सिर्फ कोस्टल कर्नाटक का नहीं, पूरे भारत में हर कोने में है, हर गांव में है, एक अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से ये आई थिंक ये मानते हैं लोग, ये पूरे भारत का ऐसा ही है, हर 20 किलोमीटर आप गए तो आपका हिंदी भी चेंज हो जाएगा, आपका भाषा, आपका तरीका, आपका कंप्लीट ओवरऑल आपका जो है डायलेक्ट विलेक्ट सब कुछ चेंज होता है, ये पूरे भारत में है। सो वो इसलिए मैं सोचा था कि ये बाहर भी लोग देखते हैं, उन लोगों की भी, उन लोगों का रूट्स कनेक्ट होता है, उन लोगों का कोर कनेक्ट होता है। सो आप आके देखा तो वो कोर जो है आपका, आपका जो बिलीफ है वो सब फिर से आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड कितना पैसा देते हैं उस उतना पैसा के लिए हम डबल एंटरटेनमेंट देते हैं, ठीक है, एक नया स्टोरी बताते, करेक्ट करेक्ट, नया लोकेशन दिखाते हैं, अच्छा कॉमेडी है फिल्म में, अच्छा एक्शन है, एंड दैट इज अ रियलिस्टिक एक्शन, सो बहुत सारा नया मिलेगा आपको देखने के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आप अगला नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? पता नहीं, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, क्या है ना, बहुत 20 साल से काम करके जा रहा हूं मैं, ये बहुत भारी पड़ी है मुझे, मतलब थिएटर विजिट गया, उधर कुछ इंसिडेंट्स हुआ, ये जो बिलीव करते हैं उन लोगों का जो रिएक्शन, लोग बस मतलब कुछ लेडीज रो रहे थे, इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए थे, तो सब मुझे बहुत सारा प्रेशर आ गया, इसलिए मैं शादी होकर 6 साल हो गया, 2 बच्चे है मेरा, ठीक है, एक कांतारा बेबी, माय गर्ल बेबी, सो सब मेरा बीवी सबको लेके 2 महीना छुट्टी ले रहा हूँ मैं। अरे अमेजिंग अमेजिंग। इसलिए मैं वो भी मैं प्लानिंग बहुत डिजर्व, ही डिजर्व्स इट, खराब प्लानिंग करता हूँ, ठीक है, ऐसा चल चलो जाते ऐसा वैसा नहीं होता करके बोलती मेरे भाई, ठीक है, इसलिए मैं बोला तू प्लान कर, अच्छा मेरे को लेके जा बोला। तो वो आपको लेके जा, वेरी गुड, दैट साउंड्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू, होपफुली मैं ठीक से बात किया, बहुत अच्छे से बात, 5 out of 5 stars, थैंक यू। ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ
ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಅಗೇನ್ ಅನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಹಿಟ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ this was so much fun. Yeah, so much insight and his English, his Hindi, I think everything is solid. It was already so much fun, you know, understanding all what happened behind the scenes, how he thinks, how he writes, you know, how the film was made. And over that, you know, getting to know that he actually, you know, was in Bombay, he worked, you know, as a driver, worked as assistant, and you know, what he all went through and then went back, and the whole thing with Kannada industry, how they are just getting back to roots. That's it. That nothing has really changed, you know. So and I've not witnessed, you know, older Kannada film, you know, the with the legends as they were talking about. You know, I think my first was Lucia. My first Kannada film was Lucia. I'm not sure. I have to check that on the main channel. But yeah, man, I think Kannada this year belongs to Kannada cinema, and actually making a video on the main channel about this. So definitely check that out too. We'll be watching the film again in Hindi, so do subscribe to get all of that. If you like this, like, subscribe, check out this video next, and I'll see you next time.